Welcome to all to One X Smart Class, and here it is. We are uh, in a very short or mini class. We can say uh, we have limited time to uh, deliver a short trick of blood relation, and this is exam time. So we must have short trick to qualify those coded blood relations, right? टल टू क्रैक दो विद्प ऑफ अ ट्रीक काफी बढ़िया लगेगा मुझे अगर ये ट्रिक आप सीखेंगे और एग्जाम इसको इस्तेमाल करेंगे यहां पे आपको ध्यान देना है ये सारे जो रिलेशंस हैं वो लेफ्ट टू राइट दिया गया कि नहीं फर्स्ट पॉइंट दिस आपको ध्यान देना है सारे वो रिलेशन ए टू बी के लिए जा रहा कि नहीं वैसे तो हर वो रिलेशन को यहां पे क्वालिफाई करने के लिए पूरा एक्सप्रेशन को हमको ब्लड रिलेशन मतलब फैमिली ट्री में कन्वर्ट करना पड़ता लेकिन अगर थोड़ा सा सेंस यहां पे यूज करेंगे तो हमको जो रिलेशन दिया गया है अब ध्यान दीजिए यहां पे जो रिलेशन के लिए पूछा गया है मतलब हाउ टी रिलेटेड टू वी दिस इज द क्वेश्चन सो यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों इसी के बीच में है forget about this two or whatever the symbol it has given that is exclamatory mark and at the rate whatever it may be you have to focus on this part because tv is available in this expression only now what is the meaning of hashtag friends hashtag means a is the mother a is the mother of b it means t is mother months this is minus has qualified right T is mother of whom U, it means grandfather because T becomes T becomes female. So T related to V is asked. Please use a common sense. T becomes minus. So father cannot be possible. Father cannot be possible. Grandfather and father is ruled out. Now we have what? A and C and none of this. Right? So T is mother of U. As because of U is connected to V.

जो माइनस हो चुका है वो अभी मदर के लिए मूव नहीं हो सकता है सो so मदर का ऑप्शन कैंसिल हो चुका है अभी बचा कौन ग्रैंड मदर यहां पे ग्रैंड मदर होगा नॉन ऑफ दिस चेक करने की जरूरत नहीं है रीजन बिंग वॉट वी हैव क्लियर दिस जनरेशन इज वन एंड दिस जनरेशन इज वन एंड एवरी बडी हैज कनेक्टेड विथ ईच अदर सो नो नीड टू गो फॉर फुल ऑफ फैमिली ट्री वी कैन इजिल क्रैक दिस क्वेश्चन विद्प ऑफ दिस ट्रिक राइट वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट वन नेक्स्ट ट्रिक With the help of involvement and cancellation method of gender. Here it is, number two. Question: You can check. Again, same. Every relation should be given from the left to right. Everything is given left to right. You can check A to B. And we are not seeking for, we are not expecting any relations which is connected with husband and wife. Reason being: what? Every relation you can crack the. जेंडर ऑफ द फर्स्ट पर्सन बट नॉट द सेकंड पर्सन इट मीन से जेंडर ऑफ बीट बी क्वालिफाइड ए हैश टैग बी मीन एज द मदर ऑफ बी बी कैनोट बी क्वालिफाइड ए डॉलर बी ए इज द फादर ऑफ बी बी के नॉट बी क्वालिफाइड ये आपके दिमाग में रहना चाहिए पहले से अभी फिलहाल हमको क्या पूछा गया है ए इज मदर इन लॉ ऑफ सी ए को मदर इन लॉ होना चाहिए सी के साथ ठीक है अब ये जो दोनों का रिलेशन यहां पे हमको चाहिए एस्टेब्लिश करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यू हैव टू कीप इन माइंड ए मस्ट बी फीमेल एट एनी कॉस्ट बिकॉज ए मस्ट बी मदर इन लॉ इज क्लियर जेनरेशन गैप एक होना चाहिए क्योंकि मदर और मदर इन लॉ मीन्स दिस इज पर्सन फ्रॉम मदर लाइन पेरेंटल लाइन एंड इज सी और ए और सी के बीच में जेनरेशन गैप एक होना चाहिए ए का जेंडर माइनस होना चाहिए कम से कम का जो हमको रिक्वायरमेंट है कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस प्रकार है ए माइनस होना चाहिए और जेनरेशन गैप एक होना चाहिए ये आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए पहले से अभी मदर इन लॉ के लिए अगर देखा जाए तो फिर हमको एक कपल्स फॉर्मेशन वाला रिलेशन भी चाहिए ये तीनों हमको चाहिए कैसे भी करके कोई रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए वो रिलेशन कुछ इस प्रकार है ए शुड बी मदर इन लॉ ऑफ सी सो वेरी फास्ट ऑप्शन वेरी फास्ट ऑप्शन इज वॉट यहां पे आप देख सकते हैं एट का मतलब क्या है एट का मतलब यहां पे सन है इसका मतलब हर वो रिलेशन लेफ्ट टू राइट दिया गया है तो हम जा सकते हैं इसका रिलेशन जो है सन का मतलब प्लस हो चुका है कॉन्ट्राडिक्शन इन जेंडर ये ऑप्शन नहीं होगा बी को आ जाइए बी में क्या लिखा गया है देखते हैं पहले से इसको कैंसिल कर देते हैं क्योंकि देखिए ये भी कैंसिल हो चुका है क्योंकि ए लास्ट में है लास्ट वाला पर्सन जो है उसका जेंडर क्वालिफाई नहीं हो सकता है इन द केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इट कैन बी क्लियर बट अदर केस इज नॉट सफिशियंट टू क्लियर द जेंडर ऑफ द लास्ट पर्सन राइट देन यहां पर भी वही हाल है ए लास्ट में है इसका जेंडर क्वालिफाई नहीं हो सकता है इसलिए ये भी कैंसिल है हमारे साथ नॉन ऑफ दिस है इसीलिए हमको इसको पूरा चेक करना चाहिए वी कैन नॉट टेक चांसेस यहां तक आके हम समय तो बचा लिए हैं और ज्यादा फास्टेस्ट बना के बनाने के चक्कर में ये जैसे गलत ना हो जाए इसको ध्यान में रखना चाहिए अब हमको चाहिए ए और सी का रिलेशन देखिए ए और सी मतलब के को अब भी जस्ट इग्नोर कर लीजिए क्योंकि के का कोई काम नहीं है इसमें ठीक है क्योंकि ओनली का केस यहां पे नहीं लिखा गया है इसीलिए अब इसको इग्नोर कर सकते हैं यह लिखा गया है एक्सलॉमेट्री मार्क एक्सलॉमेट्री मार्क का मतलब हुआ यहां पे माइनस और जेनरेशन गैप जैसे कि आप देख सकते हैं इस सिस्टर लिखा गया है ये जीरो हो जाएगा और एम एट दी रेट एट रेट का मतलब क्या हुआ सन एम इज सन ऑफ बी यहां पे जेनरेशन गैप एक हुआ है लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं ये क्रॉस वाला रिलेशन जो है वो क्वालिफाई नहीं हुआ है बी एक्सलॉमी मार्क एक्सलॉमेट्री मार्क सिस्टर, बी एज सिस्टर ऑफ सी यहां पे जेनरेशन गैप जो है वो जीरो है हमको कौन कौन सा चीज यहां पे मिल गया है माइनस मिल गया है ए बिल्कुल सही है जेनरेशन गैप हमको चाहिए था वो भी मिल गया है लेकिन क्या ये वाला इशू क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है आप देख सकते हैं इसको हम फैमिली ट्री बना रहे हैं सिर्फ चेकिंग के पॉपज में मैं ये आपके सामने रख रहा हूं यह सही है कि गलत है चेक करने के लिए ए इज माइनस मतलब एक्सलामेटरी मार्क मतलब सिस्टर सिस्टर ऑफ एम एम राइट प्लस अब यह लिखा गया था एम एट द रेट का मतलब हो गया है सन एम इज सन ऑफ एम इज सन ऑफ बी राइट देन बी एक्सलामटरी मार्क एक्सलामेटरी मार्क माइन सिस्टर बी इज द सिस्टर ऑफ सी एट द रेट एट रेट का मतलब हुआ सन इसका मतलब सी एस सन ऑफ के अब मुझे ये बताइए ए और सी का रिलेशन कभी इनलॉज में आ सकता है नहीं आ सकता है जिसको हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं यह भी गलत हो गया है आंसर फिलहाल नॉन ऑफ दिस के लिए चला जाएगा ये ट्रिक आपको ध्यान देना चाहिए हम यहां पे जेनरेशन को ध्यान दिए हैं हम यहां पे जेंडर को ध्यान दिए हैं मेंट को ध्यान दिए हैं सारे चीज अगर ध्यान देंगे तो फिर आपको ये फैमिली ट्री के चक्कर में नहीं पड़ना है ठीक है चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक में अब यहां पे हमको पूछा गया है पी शुड बी मैटरनल अंकल ऑफ क्यू फ्रेंड्स ध्यान दीजिए मैटरनल अंकल मतलब ये प्लस होना चाहिए पहले तो ये प्लस होना चाहिए अंकल का रिलेशन मतलब यहां पे जेनरेशन गैप एक होना चाहिए कम से कम रिक्वायरमेंट जो मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट शुड बी दिस वन

हम अगर कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स को अडेप्ट नहीं करेंगे ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा फिर भी हम उसको फैमिली ट्री बना के सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आप लॉस पॉइंट में है ये आप ध्यान रखिए तो हर वो चीज आपको ऑब्जर्व करना है अच्छे से ये प्लस हमको ये प्लस चाहिए जेनरेशन गैप एक होना चाहिए हर वो रिलेशन लेफ्ट टू तो राइट दिया गया है इसी के वजह से लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसका लास्ट वाला जो पर्सन है उसका जेंडर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन मार्क रह जाएगा ठीक है अब हमको चाहिए P प्लस लेकिन यहां पे P लास्ट में है इसका जेंडर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा इसका जेंडर क्वालिफाई करने के लिए हमको P दूसरे कोई जगह में होना चाहिए था अब यहां पे फ्रेंड्स देख सकते हैं P माइनस लिखा गया माइनस का मतलब क्या है माइनस का मतलब ब्रदर है मतलब ये हो सकता है इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं ठीक है P प्लस लिखा गया प्लस का मतलब मदर P माइनस हो चुका है इसको चेक करने की जरूरत नहीं है ध्यान रखिए P प्लस चाहिए अब पी यहां पे लास्ट में है वो भी नहीं होगा यहां पे देखिए पी माइनस है मतलब पी प्लस होने का चांसेस है लेकिन माइनस का मतलब क्या है माइनस का मतलब ब्रदर है जेनरेशन गैप जो है वो जीरो है और यहां पे क्रॉस लिखा गया है सिस्टर इसका मतलब जेनरेशन गैप जीरो है और माइनस का मतलब ब्रदर है जेनरेशन गैप जीरो है ये वाला हमने क्वालिफाई कर लिया है लेकिन क्या जेनरेशन गैप जो वन चाहिए था वो यहां पे क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है ये कैंसिल है हम चार ऑप्शंस पे कैंसिल कर चुके हैं सिर्फ हमारे पास बचे हैं सी फॉर्मलिटीज हम इसको चेक करेंगे चेक करने की फिलहाल तो जरूरत नहीं है अगर सोच लीजिए ये नॉन ऑफ दिस होता ई में अगर नॉन ऑफ दिस होता तो हमको ये चेक करना चाहिए था पी प्लस प्लस का मतलब ये सॉरी माइनस मतलब ये प्लस हुआ माइनस मतलब यहां पे ब्रदर है इसीलिए प्लस पी इज ब्रदर ऑफ एम एम प्लस प्लस का मतलब हुआ मदर एम इज मदर ऑफ एन क्रॉस का मतलब आपका हो जाएगा सिस्टर एन इज सिस्टर ऑफ क्यू नाउ फ्रेंड्स पी बिकम्स मैटर्नल अंकल ऑफ क्यू एंड दैट इज ओवर और ये मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए इतना समय लगा है अगर खुद से सॉल्व करूंगा तो फिर ये तीन कोडेड क्वेश्चन को हम दो मिनट में सॉल्व कर सकते हैं ठीक है काफी समय आपका बचेगा जबकि बच्चे जाकर के एक्सपेरेंट जाकर के सारे फैमिली ट्री प्रेशर में आके फैमिली ट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ये इतना ही फंडामेंटल अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा तो फिर कितना समय बचेगा जिसका समय बचता है वो अपना जो टाइम है वो पजल में इन्वेस्ट हो सकता है ठीक है क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और टाइम खराब कर देता है तो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो और ये सारे चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक कीजिए एग्जाम का माहौल है तो ये ट्रिक्स आपके साथ होना चाहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू